हम बात करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है, अब यहाँ सबसे पहले जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे, तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्टिसिपल है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखना है। तो जब हम एक कार्य कर रहे हैं उसी के साथ दूसरा कार्य हो रहा है, जब हम एक कार्य कर रहे हैं उसी के साथ दूसरा कार्य हो रहा है, तो जो पहला कार्य है, ठीक है, जो पहला कार्य है उसके जो बाद वाला कार्य है वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे सी बेंट आउट, सी बेंट आउट, सी वाज स्माइलिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, वह मुस्कुराते हुए बाहर गए ना, तो सी बेंट आउट स्माइलिंग। तो यहाँ हमने क्या प्रयोग किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद एक कार्य करने के तुरंत बाद दूसरा कार्य जब होता है, जब एक कार्य करते हैं उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है, तो पहले वाला जो कार्य होता है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपनिंग द बॉक्स, सॉरी ही ओपेंड द बॉक्स और बुक, सॉरी ही ओपेंड द बुक, ही बिगन टू रीड। तो क्या है, ओपेंड है, यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ओपनिंग द बुक ही बिगन टू रीड, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर जब एक कार्य किसी दूसरे कार्य के लिए होगा, जब एक कार्य किसी दूसरे कार्य के लिए होगा, तो पहले वाले कार्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते बाहर निकाले। ही एंटर्ड द टेंपल, वह मंदिर में प्रवेश करा, उसने मंदिर में प्रवेश करा। तो कैसे करेंगे, टेकिंग ऑफ हिज शूज ही एंटर्ड द टेंपल, अपने जूते निकालकर उसने मंदिर में प्रवेश किया। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। अब ये देखिए, ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था। ही लेफ्ट द रूम, जब पहला बात दूसरे वाक्य का कारण हो तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था। ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। तो क्या होगा, बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दी। ऐसे ही जब एक कार्य करते समय दूसरा कार्य हो जाए, जब एक कार्य करते समय दूसरा कार्य हो जाए, तब भी पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कि बात रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, सो गया। तो पढ़ते समय तो सोया है, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, मैं पढ़ते समय सो गया, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया।